नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में आज सुबह से ही ग्वारीघाट में गणेश विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। जहां नगर निगम ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी थी, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहा। इस दौरान गणेश भक्तों के अगले बरस तो जल्दिया के नारों के साथ गणपति को विदा किया। गणपति बप्पा बोलिया, अगले बरस तू जल्दिया, जय गणेश। एक और जहां पश्चिम मध्य रेल एम्प्लॉयज यूनियन ने डीआरएम और आला अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर रेल मजदूर संघ ने पश्चिम मध्य रेलवे प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान पश्चिम मध्य रेलवे प्रबंधक को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया गया। हमारी प्रेम मीटिंग नहीं हो पाई है, इस तरह तमाम कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे लंबित पड़े हैं, लेकिन महाप्रबंधक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से आज वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा सद्बुद्धि का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महाप्रबंधक महोदय को सद्बुद्धि दे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में बंदी सुधार और पुनर्वास योजना के तहत आज 480 डीसी बंधुओं की ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा एनएसडीसी के तहत करवाया जा रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सौजन्य से 480 बंदियों को 5 अलग अलग ट्रेड में कौशल उन्नयन कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ है। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है जस्टिस जेपी गुप्ता साहब ने और उनके साथ कलेक्टर प्रतिनिधि IAS प्रभांशु मिश्रा साहब भी थे। ये एक अभिनव प्रयोग है जो बंदी सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये भारत सरकार की विधिवत ट्रेनिंग लेगी 4 महीने की, और ट्रेनिंग के बाद इनका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद इनको भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पर ये अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं और ये चाहें तो अपनी सेवाएं भी कहीं दे सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।